सारनाथ साइबर थाने की टीम ने शातिर जालसाज को गिरफ्तार कर लिया। सारनाथ स्थित साइबर थाने की पुलिस ने शातिर जालसाज संदीप गौड़ को सिटी स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया। वो एसआईपी का कस्टमर केयर अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करता था। संदीप मूलतः प्रतापगढ़ का निवासी है, वर्तमान में वो नोएडा में रहता था। साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक विजय नारायण मिश्रा ने बताया कि बदलापुर जौनपुर के एक गांव का निवासी विनोद यादव का मोबाइल हैक कर बीते दिनों 5,20,516 रूपये उनके खाते से जालसाजों ने उड़ा दिए थे। प्रकरण में साइबर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की तो संदीप का नाम सामने आया। उसके गिरोह के दो अन्य साथी अफजल अंसारी व सगीर अंसारी की भी तलाश है। संदीप प्रेमिका से मिलने गोरखपुर जाने वाला था, तभी पुलिस ने उसे सिटी स्टेशन से पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद उसके पास से चार मोबाइल, 12 बैंकों का चेकबुक, चार बैंकों के पासबुक सहित 950 रूपये बरामद किया गया। पुलिस को बताया कि वो लोगों को एसआईपी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर कॉल करता और मदद के नाम पर ऐप डाउनलोड कराता था, उसके बाद मोबाइल हैक कर उसके खातों से रुपए उड़ा देता था। जालसाजी से मिले रुपए वो प्रेमिका पर खर्च करता था। ये साइबर अपराध इसने सीखा देवघर जेल में जाकर के। देवघर जेल में बंद हुआ, वहाँ पर कुछ अपराधी साइबर के मिले जिन्होंने इसको सिखाया। इसके पहले ये गैंगस्टर के मुकदमे में, मर्डर के मुकदमे में, जहर खुरानी करके गाड़ी लूटने के मामले में, मारपीट के मामले में जेल जा चुका है। यह अपने घर पर आता जाता नहीं है, छिप करके रहता है। ये बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से अपराध करता है, जिसके नाते जल्दी पकड़ा भी नहीं जाता है। बहुत दिन बाद ही पकड़ा गया है। इसका कोई गिरोह? इसका गिरोह है जिसमें जो है, इसके पहले तो इस अपराधी गिरोह में इसके ऊपर 3 गैंगस्टर की कार्रवाई हो चुकी है अन्य मामलों में, लेकिन साइबर में भी इसका गिरोह बन चुका है जिसमें 2 और लोग इसके नाम आए हैं। बाकी लोगों के बारे में पता किया जा रहा है। कुछ चीज़ें बरामद हुई हैं सर? इसके पास से 4 मोबाइल, चेकबुक, पासबुक, ATM कार्ड, सिम कार्ड, ये सब बरामद हुआ है।